आज हम लंच में बनाने जा रहे हैं भरवा भिंडी। भरवा भिंडी के लिए हमने भिंडी ले ली है, लहसुन है, हरी मिर्च, मूंगफली और कुछ दही ले लिया है, आधी कटोरी दही लिए हैं। अब हम लहसुन, मूंगफली और हरी मिर्च को हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद उसमें जो है हम हल्दी, नमक और मिर्च मिला लेंगे। तब तक जो हमने भिंडी जो है यहाँ धुल कर बीच से कट लगा के जो रख दी थी उसको हम यहाँ तेल में फ्राई कर रहे हैं। तेल में फ्राई कर लेंगे इसको अच्छे से। भिंडी को जो है हम ना ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे ना कम आंच पे, मीडियम आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पे जो है जल भी सकती है भिंडी, तो उसका स्वाद ख़राब हो सकता है। अब यहाँ पर भिंडी हमारी जो है अच्छे से फ्राई हो रही है, बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। अब यहाँ पर जो है हम अपनी भिंडी को निकाल लेंगे। ये हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है जो है। अब हम और हमारी जो बची हुई और भी भिंडी है रखी हुई उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। इसलिए भिंडी को हमने पहले अच्छे से धुल के उसका पानी सुखवा के उसके बीच से चीरा लगा के ही हम इसको फ्राई करेंगे। और अब हम तब तक मसाला इधर भिंडी का तैयार कर रहे हैं। जो भी सामग्री हमने ली थी उसको पीस कर निकाल लिए हैं। अब उसमें हम एक चम्मच मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक मिला लेंगे स्वादानुसार, और दही मिला रहे हैं यहाँ पे। जो भी लोग जो है दही खाना पसंद करते हैं तो वो मिला सकते हैं, या तो आप स्किप करके यहाँ नींबू का रस भी मिला सकते हैं। अब इसको हम मिश्रण में अच्छे से मिला लेंगे। तो हमारा मूँगफली और मिर्च का मिश्रण है, इसमें हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे। इसको इसी मिश्रण को हम अब भिंडी में भरेंगे, इसलिए इस मिश्रण को हम अच्छे से मिला लेंगे। यह हमारा मिश्रण एकदम से रेडी है भरने के लिए। अब इसको हम जो है भिंडी में भरेंगे। जो हमने भिंडी फ्राई की है उसको कुछ हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के लिए हम उसको रख दिए थे फ्राई करके, बस अब उसी में जो है हम भिंडी में आप देखिए हम इसको भर रहे हैं। इसको खूब अच्छे से तरीके से भर के रखना है। अब एक एक करके हम ऐसे अपनी सारी भिंडियों में ये मिश्रण को भर देंगे। ये भरवा भिंडी को आप जो है रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, और जो है या हो तो आप दाल चावल के साथ भी इसको खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, और दाल चावल के साथ भी ये बहुत मज़ेदार लगता है खाने के लिए। अब जो हमने तेल गर्म कर लिया है उसमें हम जीरा डाल देंगे। जीरा तड़क जाए तो हम थोड़ा सा सरसों का दाना इसमें डाल देंगे, वो तड़क जाएगा। इसके बाद जो हमने भर कर रखी हुई भिंडी थी एक एक करके हम उसको कढ़ाई में डाल देंगे। सारे भिंडियों को हम एक एक करके कढ़ाई में डाल रहे हैं। इसके बाद जो है भिंडियाँ हमारी सारी कढ़ाई में आ चुकी है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा जो है हल्का सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। ये जो भिंडी का मिश्रण हमारा बचा है इसको भी हम यहाँ भिंडी में डाल देंगे। भिंडी को हम चला लेंगे। चलाने के बाद जो है ये भिंडी जो है 5-10 मिनट जो है आप इसको कम आंच करके रख देंगे। अब यहाँ जो है 10 मिनट बाद ये हमारी भिंडी जो है तैयार हो गई है।